अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। डॉक्टर ज़ाकिर आदिलुशैन साहब इस टाइम सैलानी वेलफेयर में डॉक्टर बशीर फारूकी साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं और हम बताते चलें आज की मुलाकात सक्सेसफुल हुई और सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, चूँकि राना बशीर फारूकी साहब और उनकी पूरी टीम जो है इंसानियत की बका के लिए बहुत अच्छी खदमात अंजाम दे रही है, तो इसका सराहा जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि आज जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 22 सेक्शन 1 के तहत इन्हें जो एजाज हासिल हुआ है, इससे और मजीद जो है पूरी दुनिया में बेहतर तौर पर काम करने के मौके हासिल होंगे। और फिर ये कि इस पर आपने जो मामिन का किरदार अदा किया है, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस मौके पर। और हमारी पूरी टीम जो आई हुई है मीडिया के हवाले से भी, इन्होंने भी बहुत अच्छी कवरेज की है, इन तमाम के जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और दुआ गो हूँ कि इंसानियत की बका के लिए जो काम हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में इसी तरह आप लोग मामिन का किरदार अदा करते रहें। सर मैं चाहूँगा कुछ अशार एक अगर। ज़िंदगी वो किसी के काम आए जैसे खुशबू कली के काम आए, ज़िंदगी वो किसी के काम आए जैसे खुशबू कली के काम आए, वो दिया 400 करो रोशन देर में हर किसी के काम आए, असर है मकसद हयात आदिल आदमी आदमी के काम आए। जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत। मैं चाहता हूँ तजर्बों से इक्तसाब करूँ, मेरी निगाह में माजी है सिर्फ हाल नहीं, किसी के काम ही आना है असल काम आदिल, एक अपने वास्ते जीना कोई कमाल नहीं। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।